विदिशा के गंज बासौदा नगर के निकट ग्राम बहलौच में काली पठार नई दिल्ली क्षेत्र में रहने वाला युवक सुनील कुमार यादव की बिजली की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनील खुली पड़ी विद्युत डीपी से तार जोड़ रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार तार जोड़ते समय वह 32 केवी लाइन से टकरा गया और बिजली की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार विद्युत मंडल को आवेदन देकर डीपी को बदलने की मांग की थी, लेकिन विद्युत विभाग ने उन आवेदनों पर कोई ध्यान नहीं दिया और डीपी को नहीं बदला। इस लापरवाही के कारण लोग लंबे समय से परेशान हो रहे थे। विद्युत मंडल की इस लापरवाही और कार्यप्रणाली के खिलाफ कई बार समाचार पत्रों में खबरें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। यदि समय पर विद्युत मंडल ने ग्रामीणों की मांग को गंभीरता से लिया होता और डीपी को बदल दिया होता तो शायद इस युवक की जान बचाई जा सकती थी। सर, अभी एक मामला आया है, करंट लगने से युवक की मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला? ये 3-4 दिन के आसपास पेशेंट आया था, ठीक है, जो मृत अवस्था में था। जांच के बाद बाकी हमने प्रयास किया CPR वगैरह देने का, लेकिन भी रेस्पॉन्स नहीं आया है, तो आखिरकार वो मृत घोषित कर दिया गया है। ये मामला जो है कि बासौदा के काली पठार इलाके के नई दिल्ली कोई मोहल्ला है, उसमें बता रहे कि लाइट का काम कर रहा था डीपी पे, घर पे लाइट नहीं आ रही थी, जो भी नाम मैटर है उसके, उस दौरान इसको करंट लगा हुआ है। तो 7 बजे लोग आए थे, उनका यही कहना है, लेकिन हमने इसकी जानकारी पुलिस विभाग को दे दी है, ये पुलिस विभाग आके और बाकी की जानकारी। नाम क्या हुआ है? मतलब उसकी लाइट नहीं चल रही थी, वो डंडा से गया था हिलाने के लिए। कितने बजे लगे? यही 3-1 बजे करीब। इसके किसी अधिकारी को बताया करंट लगे? नहीं, अभी कुछ नहीं बताया। तो क्या है, कितने दिनों से डीपी खराब पड़ी? वो तो मतलब दिनों का डीपी खराब। तो सुधारने वगैरह कोई आवेदन वगैरह नहीं दिया था? कोई नहीं आया।